नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर संग्राम, राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, संदेश खाली हिंसा को लेकर वह बात करेंगे। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने नहीं दिया गया है और धारा 144 का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पर ऐसा लगता है कि मानो संग्राम की स्थिति है। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। संदेश खाली हिंसा को लेकर ही राज्यपाल से वो बात करेंगे। उनका यह भी कहना कि उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया, बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने नहीं दिया गया। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी नेताओं ने कैसे ममता सरकार को घेरा है वो सुनिए आप। तालिबान शासन ये स्वतंत्र भारत में नहीं चलने वाला, ऐसा मैंने अपने पौने 38 बरस की सेवा में ऐसा अत्याचार नहीं देखा। केवल पूरे बंगाल में तानाशाही चल रही है। पुलिस खड़ी, उसको क्या बोलेंगे? पुलिस खड़ी है, रोक रही है। यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में किया होता, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, और ज्यादा जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। जैनेन्द्र भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन श्रीनिवास, पहले आप ही से समझना चाहूंगा, आज के जो हालात हैं वहां पर क्या कुछ आपने देखा, और बीजेपी के नेता जो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं वो क्या कह रहे थे? देखिए अखिलेश, इस वक्त मैं संदेश खाली में ही मौजूद हूं। आज दिन के तकरीबन 12 बजे संदेश खाली से आप कह सकते हैं 4 किलोमीटर पीछे एक रामपुर इलाका है, वहां पहले से पूरा इंतजाम था, बैरिकेडिंग की गई थी, परमानेंटली वहां पे बैरिकेड किया गया था 3 लेयर में। जब वहां पे बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, जिसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष नेता थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और फिलहाल राज्यसभा सांसद ब्रजलाल थे, तो वहां पे पुलिस ने उन्हें 144 का हवाला देकर रोक लिया। तो वो वहीं धरने पे बैठ गए थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी नौबत आई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की बैठने के बाद वहां से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल था वो वहां से वापस लौट गया, ये कहते हुए कि वो अब अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, गृह मंत्री को भेजेंगे और प्रधानमंत्री से इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस दौरान जो नेता आए थे उन्होंने संदेश खाली की उन पीड़ित महिलाओं से वीडियो कॉल के, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा उन्होंने उनसे बातचीत की। और फिलहाल आप कह सकते हैं अखिलेश, मैं जहां से आ रहा हूं, मैं उस गांव से आ रहा हूं जहां पे बहुत संख्या में वो पीड़ित महिलाएं हैं, वो हमें वो तमाम चीजें बता रही थी। हालांकि कोई भी महिला इस पे खुल के बात नहीं करती, लेकिन वो बताती थी कि ये जो शेख शाहजहां था और इसका जो हेंचमैन है जिसका नाम सीबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये तमाम लोग, इनका यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरा शासन चलता है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और, मैं नदी किनारे इसलिए खड़ा हूँ अखिलेश, क्योंकि यहाँ आने के लिए रास्ता सिर्फ जल मार्ग का है, आपको नदी के रास्ते यहाँ आना पड़ेगा, कोई सड़क मार्ग नहीं जोड़ती। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्रीनिवास, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा भी, मैं लौटूंगा आपके पास। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।